सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों। इजरायली रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी से की मुलाकात, रक्षा सहयोग और निवेश बढ़ाने पर दिया जोर। लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी, सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया स्वागत। पीएम बोले, यूपी ही 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा। कश्मीर की स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह की एनएसए और रा प्रमुख के साथ बैठक, सुरक्षा स्थितियों पर मंथन। ईडी का कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेश होने के लिए नया समन, 13-14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। ज्ञानवापी विवाद के बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, राम मंदिर के बाद नहीं होगा कोई आंदोलन। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बदलने वाली है तेलंगाना में सत्ता, निजाम के क्रूर शासन से मुक्ति का दिवस मनाएगी बीजेपी। देश भर में साधु संतों की वाराणसी में बड़ी बैठक, ज्ञानवापी समेत तमाम मस्जिदों को लेकर चर्चा। पंजाब की फिरोजपुर जेल में सिंगर मूसेवाला की हत्या को लेकर कैदियों में मारपीट, कई अस्पताल में भर्ती। केरल के सी पी नराई विजयन की दो टूक, केरल में लागू नहीं होगा सीए, धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार किसी को नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर, कहा देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो कृषि पर देना होगा ध्यान। यूपी राजस्थान में हीट वेव की संभावना, दिल्ली में बढ़ सकता है तापमान, कई राज्यों में होगा भारी बारिश का अलर्ट। स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा ने हमेशा तेलंगाना के गठन को दिया समर्थन, नहीं किया सौतेला व्यवहार। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई का आरोप पत्र, पुलिस अफसरों की पोस्टिंग में अनुचित प्रभाव डालने का आरोप। महंगाई थामने के उपायों का जींस बाजार में दिख रहा असर, निर्यात प्रतिबंध से गेहूं को के बढ़ते दुकान मूल्य से गिरावट का रुख गए। गांव में प्रवासी मजदूरों को आतंकवादियों ने मारी गोली, हमले में एक की मौत, दूसरा घायल, सुरक्षा व्यवस्था पर हुई जांच। अलीगढ़ में 1 करोड़ मधुमक्खियों की हुई मौत, जहरीला चीनी खाने के बाद हुई मौत, भाजपा के किसान मोर्चा नेता हेमंत सरस्वत मधुमक्खी का पालन करते हैं। अलीगढ़ में महिला पत्रकार के साथ हुई अभद्रता का मामला, वारंटी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का लचीला व्यवहार। अलीगढ़ में अवंती बाई लोधी की जयंती, जयंती पर युवाओं ने निकाली बाइक रैली, रैली में तमंचा लहराने का वीडियो वायरल। बदायूं में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बहराइच में एक्टिव मोड में आबकारी विभाग की टीम ने की छापेमारी। 70 लीटर अवैध शराब हुई बरामद। देवरिया में जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अपर जिलाधिकारी ने किया था जिला बदर। गोरखपुर में महामहिम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष समारोह। मुरादाबाद में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी से परेशान होकर युवती ने समाप्त की जीवन। शाहजहांपुर में भाजपा कार्यालय पर सांसद ने की प्रेस वार्ता। सांसद ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। संभल में जिला अस्पताल में मानवता हुई शर्मसार। दुर्घटना में घायल बुजुर्ग को नहीं मिली एम्बुलेंस। श्रावस्ती में पुलिस के हाथ लगी सफलता। पुलिस के हत्थे चढ़ा गांजा तस्कर। अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। अलीगढ़ में ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला। दो राउंड फायरिंग करके आरोपी फरार। ग्राम प्रधान ने मुकदमा दर्ज कराते हुए सुरक्षा की लगाई गुहार। अलीगढ़ में बिजली पानी की दिक्कतों का सामना कर रहे किसान। किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। बदायूं में शादी की सच्चाई का खुलासा। शादीशुदा युवक ने प्रेमिका पर की फायरिंग। पुलिस ने युवती को इलाज के लिए भर्ती कराया। अलीगढ़ में घर की लक्ष्मी पर दहेज का वार। लालची ससुरालियों ने महिला को घर से निकाला। बदायूं में शातिर लुटेरों के हौसले बुलंद। हजारों रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। पिता बैंक से पैसे निकालने जा रहा था। बलिया में पुलिस ने देव व्यापार का किया भंडाफोड़। आपत्तिजनक स्थिति में 5 जोड़े बरामद। बुलंदशहर में ग्राम समाज की भूमि पर दबंगों का कब्जा। ग्रामीण ने तहसील पहुंचकर किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल का दबंगई साथ घूम रहे भाई बहन को रोका। छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई को पीटा। संभल में परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों पर हमला। घायल छात्र की हालत गंभीर। छात्र को हायर सेंटर रेफर किया गया। कानपुर में पीपल का पेड़ काटने से मना करना पड़ा। भारी युवक की लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल। मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। ठेले पर मरीज को लेकर पहुंचते परिजन चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर आनंद का कहना है कि मरीज को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। मुरादाबाद में ट्रैक्टर और एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक की भिड़ंत। हादसे में 19 लोग घायल। 3 लोगों की मौत। गोरखपुर में बड़ा सड़क हादसा। सड़क की मरम्मत कर रहे मजदूरों को डंपर ने कुचला। 3 लोगों की मौत। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने की सोनिया गांधी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। जम्मू कश्मीर के हालत पर चिंतित।
दाऊद की तरह यूपी में साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। D2 गैंग 6 नामों से खरीदी करोड़ों की संपत्ति। अमरोहा में बिक गई 65 बीघा तालाब की जमीन, 30 साल तक अधिकारी दबाए रहे आदेश, अब मामला खुलकर आया सामने। मार्कर करेगा ओरल कैंसर की पहचान, इलाज में विटामिन ए की अहम भूमिका, ओरल पैथोलॉजी के अध्यक्ष प्रोफेसर शालीन चंद्रा और विज्ञानी डॉक्टर राहुल पांडे शामिल रहे। मंदिर निर्माण के पहले ही तैयार होंगे 2 मार्ग, रोज की समस्याओं से मिलेगी मुक्ति। हनुमानगढ़ी के सामने से राम मंदिर तक 400 मीटर लंबा रास्ता जाता है। अवैध निर्माण की शिकायतों पर एलडीए का बड़ा एक्शन, बदले 6 जोन अधिकारी। मंडलायुक्त ने अवैध निर्माण को लेकर विजिलेंस से जांच कराने की चेतावनी दी थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में दर्ज की ऐतिहासिक जीत, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को रिकॉर्ड वोटों से हराया। शोपिया में हुए बम धमाके में उत्तराखंड के लाल ने दिया अपना सर्वोच्च बलिदान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शत नमन। चारधाम यात्रा 2022 के दौरान हृदय घात से केदारनाथ में 3 श्रद्धालुओं की मौत, मरने वालों की संख्या 118 पहुंची। केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब तक 103 घोड़ा खच्चर की मौत, लापरवाही और उचित आहार न मिलने से मर रहे पशु। काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में अब 5 दिन दौड़ेगी, यात्रियों की भीड़ को देखकर पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर की मंडल की ओर से यह फैसला किया गया है। देहरादून शहर से लेकर बाईपास तक जम्मा जनता हलकान जाम में फंस रहे हजारों लोग, चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन होने की वजह से वाहनों का दम। अभिनेत्री अमृता सिंह के मामा की देहरादून स्थित 20 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं की नजरें, फर्जी वसीयत बनाने वाला गिरफ्तार। बाड़ाहोती के निरीक्षण के लिए प्रशासन का दल रवाना, चीन की घुसपैठी को देखते हुए संवेदनशील है इलाका। उत्तराखंड में युवाओं समेत विभिन्न वर्गों में पैठ मजबूत करेगी कांग्रेस, नए सिरे से संगठन को देंगे मजबूती। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने किया संगठन का विस्तार, 5 नए उपाध्यक्ष और 11 जिलाध्यक्ष बनाए। पीएम मोदी और योगी ने ट्वीट कर धामी को ऐतिहासिक जीत की दी बधाई, पीएम मोदी ने बधाई देते हुए लिखा कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। रुड़की के गंगा नहर में डूबकर मुरादाबाद का जायरीन लापता, साथियों के साथ दरगाह जियारत करने आया था युवक। हल्द्वानी में उधारी के 500 रुपए मांगने पर बेरहमी से पीटा, इलाज के दौरान मौत, मुकेश बेलवाल ने बताया राकेश गांधी ने उनसे उधारी लिए थे। चारधाम यात्रा 2022 में पंजीकरण स्लॉट बढ़ने और श्रद्धालुओं को टोकन जारी करने से पटरी पर लौटी यात्रा व्यवस्था। केदारनाथ में गुफा की बुकिंग फुल, पीएम मोदी ने भी गुफा में लगाया था ध्यान, तब से बढ़ा इसका क्रेज। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का विवादित बयान, भारत के पास पाकिस्तान विभाजन की योजना।
अमेरिका में हथियार खरीदने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया बड़ा ऐलान, कहा हथियार खरीदने की उम्र बढ़ाई जाएगी। प्लैटिनम जुबली उत्सव में शामिल नहीं होंगी महारानी एलिजाबेथ, भारतीय मूल के लोगों को किया जाएगा सम्मानित। पाकिस्तान में महंगाई दर ने तोड़ा पिछले ढाई साल का रिकॉर्ड, नई शहबाज शरीफ सरकार ने भी नहीं रोकी बेकाबू महंगाई की रफ्तार। गूगल के दफ्तर में जातिवाद के आरोप को गलत बताया पूर्व परियोजना प्रबंधक तनुजा गुप्ता ने कहा, गूगल में जातिगत भेदभाव एक पैटर्न है। भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र ने रचा इतिहास, 21 शब्दों का सही उच्चारण कर जीता खिताब। अमेरिका में फिर हुई गोलीबारी, चर्चा के बाहर फायरिंग में दो लोगों की मौत, शूटर भी थे। सुरक्षा परिषद की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूती से रखा अपना पक्ष। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज सरकार को किया गया, तीन टुकड़ों में बंट जाएगा पाकिस्तान, परमाणु ताकत भी खो देगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा, साल 2021 में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। सरकार की दो टू को होटल और रेस्टोरेंट नहीं वसूल सकते सर्विस चार्ज, इस तरह की अवैध वसूली से रोजाना लाखों उपभोक्ताओं के हित प्रभावित हो रहे हैं। आरबीआई ब्लॉक स्तर पर चलाएगा वित्तीय साक्षरता अभियान, गरीब जनता को बचत पर ज्यादा रिटर्न मिलना होगा सुनिश्चित। सरकारी उपायों से गेहूं, खाद, तेलों और आटो की कीमतों पर लगी लगाम, निर्यात प्रतिबंध का भी दिखा असर। भारतीय निर्यात में जारी रहेगी बढ़ोतरी, चीन से आपूर्ति बाधित होने और यूरोप में उथल पुथल का मिलेगा लाभ। एथर इंडस्ट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज पर जबरदस्त लिस्टिंग, 21% की तेजी के साथ शेयर कर रहा है ट्रेंड। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम बढ़ा, क्लेम रेशियो बढ़ने का दिखा असर। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 200 अंक टूटा 1600-1500 के नीचे, निफ्टी एनएसई का निफ्टी लाल दायरे में दिखाई दे रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे ने आरएफआईडी टैग की सुविधा शुरू की, लगेज निगरानी में होगी आसानी। सरसों की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव, मूंगफली तेल हुआ महंगा, चेक करें एक लीटर का भाव। टाटा मोटर्स की सेल्स में 3 गुना हुआ इजाफा, किया इंडिया की बिक्री 69% बढ़ी। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन बोले, कोहली 50 रन बनाते हैं फिर भी लगता है वो फेल हुए, तकनीक में कोई खराबी नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेट कीपर रिद्धिमान साहा बोले, दुख होता है जब कोई आपकी ईमानदारी पर सवाल उठाता है।
आईपीएल में चोटिल हुए सीनियर खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे के 5 से 6 हफ्ते लगेंगे फिट होने में। क्रिकेट की दुनिया का सुपरमैन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सेलिब्रेट किया मोहम्मद रिजवान का बर्थडे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने आरसीबी के बैट्समैन रजत पाटीदार को बताया आईपीएल 2022 का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट से पहले अपनी तैयारियों पर बोले सिराज कप्तान रोहित की तारीफ की। टॉडर टेस्ट के पहले दिन गिरे 17 विकेट न्यूजीलैंड 132 रन पर ढेर तो इंग्लैंड की हालत भी पहली पारी में खस्ती। शाकिब अल हसन को बनाया गया बांग्लादेश की टेस्ट टीम का कप्तान। पहला मैच खेलने उतरे इंग्लिश गेंदबाज का कहर न्यूजीलैंड महज 132 रन पर ढेर। आईपीएल के प्रदर्शन पर पूरे ओपन में चुनी टी20 विश्व कप की टीम विराट कोहली ऋषभ पंत और कप्तान रोहित शर्मा टीम से बाहर। अमिताभ बच्चन और जय बच्चन ने पूरा किया 49 सालों का साथ एनिवर्सरी पर बिग बी ने शेयर की गुड्डी संग मंडप की तस्वीर। लंबे समय तक धारावाहिक करने के बाद रियलिटी शो का हिस्सा बनने जा रही अभिनेत्री श्रीति झा। गोरी माम के लुक में सौम्या टंडन आई नजर। फैंस ने कहा अनीता भाभी इज बैक। सौम्या टंडन ने भाभी जी घर पर हैं शो छोड़ दिया है। शकुंडली भाग्य के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है। धीरज धूपर ने एकता कपूर के शो से ली विदाई। करण प्रीता के बीच आया एक्टर शक्ति अरोड़ा। शादी के बाद पर्दे पर एक एड में नजर आएंगे विक्की कौशल और कैटरीना कैफ। मिला बड़ा प्रोजेक्ट। दुनिया भर में 5000 स्क्रीन पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। यूपी समेत 3 राज्यों में टैक्स फ्री। दिल्ली में 22 साल के शैल सागर नामक सिंगर का हुआ निधन। शैल सागर इंडियन इंडिपेंडेंस म्यूजिक में काफी लोकप्रिय थे। सलमान खान सार अली खान शाहिद कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया भाग। अनन्या पांडे और फरहान खान भी आए नजर। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने स्मार्ट जोड़ी का जीता खिताब। मिला खास तोहफा। इसी साल हुई विक्की और अंकिता की शादी। महेश बाबू की नई फिल्म का ऐलान। ऑफर हुई 20 करोड़ रुपए की। अथोडू के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास बना रहे हैं। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।